मौसम की बात कर लेते हैं। देश भर में इन दिनों मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 1 अगस्त तक भारत के पूर्वी, पश्चिमी और मध्य भागों में तीव्र वर्षा होने की संभावनाएं हैं और आज बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में गुरुवार को भी कई इलाकों में तेज बारिश हुई, वहीं यूपी में भी कई जगहों पर बादल बरसे। IMD की माने तो जम्मू कश्मीर में भी आज बारिश की संभावना है, वहीं उत्तर प्रदेश में आज भी बारिश की संभावना जताई गई है। दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने आज बादल छाए रहने की भविष्यवाणी की है और कहा है कि राजधानी में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा कोलकाता में भी अति भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। 15 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश की संभावनाएं जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक भिंड, मुरैना, श्योपुर, टीकमगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। रतलाम, बालाघाट और मंडला में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहाँ भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। वहीं भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन में भारी बारिश की संभावना है। इंदौर, जबलपुर और शहडोल में भी भारी बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल में सिस्टम बनने से लगातार बारिश जारी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 1 जून से अब तक 422 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश के अनेक हिस्सों में, पूर्वी मध्य प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अनेक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है और कहीं कहीं पर हैवी रेनफॉल भी हो सकता है। चंबल तो पूरा डिवीजन में कहीं कहीं हैवी रेनफॉल हो सकता है और टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दतिया, शिवपुरी, अनूपपुर, डिंडोरी, नीमच, मंदसौर, रतलाम, बालाघाट और मंडला में भी कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की उम्मीद है और भोपाल में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। और तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। प्रदेश भर में बारिश का कहर जारी है, लिहाजा उमरिया में भी नदी नाले उफान पर हैं और इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं तेज बारिश के चलते नदी का पुल भी ढह गया है, जिससे मुड़गुड़ी से सुखदास गांव का संपर्क टूट गया है, जिसके चलते यहां के आसपास के 15 गांव प्रभावित हुए हैं और इन गांवों का आवागमन भी बाधित हो गया है। ग्रामीणों की माने तो वो पुल ढहने के पीछे गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग हैं जो नदी से रेत के उत्खनन को भी कारण मान रहे हैं। हालांकि इस सब के बाद जिम्मेदार मौके पर पहुंचे और पुल से वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी। इसी के साथ कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने घटना के कारणों की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। पुल भूमि संरक्षण विभाग द्वारा 2005 में बनाया गया था और प्रथम दृष्टया देखने से लगता है कि वहाँ पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा है, नदी का पार्ट भी चौड़ा है, तो वहाँ इस प्रकार का स्टॉप डैम कम पुलिया जो बनाई गई है इसकी आवश्यकता नहीं थी। इसके स्थान पर बड़ा पुल बनाया जाना था, तो ये तकनीकी रूप से सही नहीं था इस प्रकार का पुल बनाया जाना। मार्ग चूँकि अब उपयोग में ही नहीं है, पुल गिर चुका है, तो इस मार्ग से आवागमन अभी प्रतिबंधित किया गया है। छत्तीसगढ़ में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है, जिसके चलते पूरे प्रदेश में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज रायपुर सहित प्रदेश भर में हल्की बारिश होगी, साथ ही गरज चमक के साथ छींटे पड़ेंगे और सरगुजा जिले में भारी बारिश होने के आसार हैं। विभाग की माने तो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल पर चक्रवाती घेरा बन रहा है। इस कम दबाव का क्षेत्र बनने से प्रदेश के कई जिलों में बारिश होगी। बारिश के चलते राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर का मौसम भी बदला है और अधिकतम तापमान कम होने से मौसम ठंडा हो गया है।